What's up guys, my name is Parul and you are watching Parul TV. और आज की वीडियो में जी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ फाइनली अपना ड्रीम हाउस टूर। You say take me on a treasure hunt. I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance? It was me every night. When I close my eyes, I see beauty lives in me. I know I don't yet know it, so I trust you when you say that beauty. घर में मूव कर लिया जी 10 दिन पहले अपने अपार्टमेंट से अपने पहले घर की तरफ। ये मेरा पहला स्टेप था। घर सारा सेट कर लिया हुआ है, घर मूव कर लिया, पूरा बॉक्सेस सब खोल लिए हुए हैं, तो मोस्टली अनपैकिंग हो चुकी है, घर सेट हो चुका हुआ। आज की वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि कैसे सारा घर सेट किया हुआ है, क्या क्या अप्लायंसेज लगाए हैं और मॉन्ट्रियल में कैसे के घर होते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते बिकॉज आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सबसे पहले आ जाता है जी ड्राइववे एरिया। अब ड्राइववे के अंदर खड़ी करने के लिए जी हमारे पास स्पॉट्स हैं अराउंड 6, तो 2 गाड़ियां यहां खड़ी हो जाती हैं, एक गैराज है अंदर भी खड़ी हो जाएगी गाड़ी, और पीछे साइड के ऊपर प्रॉपर स्टोन काम हुआ हुआ है। वैसे जल्दी से आपको दिखा देते हैं, पीछे से वैसे ज़्यादा बढ़िया दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओपन का बाहर का एरिया आ जाता है, तो बाहर के एरिया के अंदर गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं बड़े आराम से, बड़े प्यार से। यहाँ पर 3-4 और खड़ी हो जाएंगी, 2 अपनी फिलहाल जो है वो तो खड़ी कर ही दी हुई हैं। और घर की एंट्रेंस जो है साइड से भी है और फ्रंट से भी है। शुरू करते हैं फ्रंट एंट्रेंस से और बाकी के एंट्रेंसेस का टूर आपको आगे जाके कराते रहेंगे। आ जाओ जी। तो ये आगे जी फ्रंट एंट्रेंस घर की। वैसे 3 एंट्रेंसेस हैं, एक ये, एक गैराज वाली साइड से, एक इधर वाली साइड से भी है, एक्चुअली 4 है, एक पीछे से भी कोई जा सकता है, बट ऑफिशियली 3 दरवाजे हैं जहाँ से एंटर किया जा सकता है। ये मेन वाला मेन से आ जाओ। लेटर्स वगैरह यहाँ पर आ जाएंगे। अभी यहाँ पर मैं ना वो रिंग डोर बेल इंस्टॉल कर रहा हूँ कैमरे वाली, तो वो आ गई हुई है, वो इंस्टॉल करूँगा। बाकी ये मेन एरिया, यहाँ से सीधा एंट्रेंस, तो चलो अंदर चलते हैं सबसे पहले। ये डिंग डिंग भी बजती है जब हम अंदर आते हैं सिक्योरिटी सिस्टम की। तो घर के अंदर आते ही कितना सा एरिया जहाँ पर जैसे विंटर में लोग आ रहे हैं तो अपने कोट वोट उतार लें, शूज़ वगैरह उतारने के लिए यहाँ पर जगह। ये अलमारियाँ जो विंटर में आते हैं तो जैकेट जैकेट बहुत हैवी पहनी होती है, वो सारी यहाँ लगा दो, जूते शूते सारे यहीं पे उतार दो ताकि अंदर जब जाओ तो सफाई रहे, क्योंकि यहाँ पर सफाई करने वाले होते नहीं है, सफाई वाले खुद ही होते हैं जिनका घर होता है। तो आ जाओ जी अंदर। यहाँ पर लगेगा जी टेबल, तो जहाँ पर जिन्होंने लोगों ने बैठे अपने जूते वूते उतारे हैं। अभी टेबल लिया नहीं है क्योंकि घर जब ऐसे का ले लूँ ना फिर टेबल खरीदने के पैसे नहीं बचते, बट यहाँ पर बेंच लग जाएगी, आराम से बैठ के जूते उतारो, वहाँ पर कोट रखो। ये इस साइड पर आ जाता है जी अलार्म सिस्टम। अब अलार्म सिस्टम ऐसा है कि आप जैसे ही इसको ऑन करेंगे घर में हर जगह के ऊपर सेंसर लगे हुए हैं तो सारे एक्टिवेट हो जाएंगे, तो घर के अंदर कोई भी मूवमेंट होती है जब कोई ब्रेकिंग करता है राइट के ऊपर वो पुलिस वाला सायरन लगा हुआ, वो जोर जोर से बजना शुरू हो जाएगा और मोहल्ले वालों के नाम में दम हो जाएगा और पुलिस वालों को भी कॉल चली जाएगी ऑटोमेटिकली, जिसकी सब्सक्रिप्शन होती है अराउंड $800-900 पर ईयर, ऑप्शनल होती है। अगर नहीं लेनी तो लोकली जो स्पीकर है वो तो बजेगा ही, तो अपनी अपनी ऑप्शन है, बट हाँ अगर इंडिया जाना हो तो ये सिस्टम होना जरूरी है ताकि घर सिक्योर रहे। अब हम चलते हैं मेन एंट्रेंस की तरफ जो कि लिविंग एरिया की या घर की एक्सेस है। तो ये ऐसे का डोर मैंने सबसे पहले बचपन में क्योंकि सासरी के भी बहुत ही सारे सीरियल में देखा था, तो 2 दरवाजे ऐसे खुलते थे, तो मैंने कहा था ऐसे का घर कभी हम भी लेंगे, तो ये हमने खोल दिया। जब घर वाले आएंगे तो मैं ऐसे ही खोलूँगा। अंदर आते हैं तो मेन लिविंग एरिया का एक्सेस सारा यही पे ही है, सीढ़ियाँ हैं, ऑफिस रूम है। सबसे पहले आपको आ जाओ ऑफिस रूम, थोड़ा सा दिखा देते हैं क्योंकि गंद बहुत पड़ा हुआ। ये आ गया जी ऑफिस रूम, तो जितने भी वीडियो स्टूडियोज बनेंगे सारी यहीं पे एडिट होंगी। कंप्यूटर सिस्टम्स, राउटर्स के लिए यहाँ पर, प्रिंटर के लिए ऑफिस रूम एक अलग से है, वो दरवाज़ा मैं नहीं खोलूँगा क्योंकि वहाँ पर तो इस टाइम गंद मचा हुआ है, बट यहाँ पर स्क्रीन लगी हुई हैं, सारा कैमरा सिस्टम घर का जितना भी सिक्योरिटी सिस्टम है उसकी स्क्रीन फर्दर वहाँ पर लगी हुई है। थोड़ी सी आपको दिखा देते हैं,
ज्यादा डिटेल में नहीं कैमरा दिखाएंगे क्योंकि मॉन्ट्रियल में लोग प्यार बड़ा करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कैमरा शैमरे ना तोड़ने आते हैं। बट हाँ, वहाँ से मैं काम कर सकता हूँ, सारा दिन वर्क फ्रॉम होम करना हो, वीडियोस एडिट करनी हो तो इस रूम के अंदर सारा काम होगा। इसका अलग से टोन कराऊंगा, इसको भी पूरा डेकोरेट करूंगा, अभी ना टाइम लगने वाला है इस चीज़ के ऊपर। बट हाँ, मेन सारा वर्किंग एरिया ये हो गया। चाबियाँ शाबियाँ यहाँ पर रख दो, गाड़ियाँ शोड़ियाँ जो भी है ठीक है ना, ताकि घूमना जाए, क्योंकि इस घर में मैंने देखा है अगर सामान घूम जाए ना तो ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं तो अब ये सीढ़ियाँ आ जाती हैं। अब इस घर के अंदर जैसे टोटल 3 स्टोरीज हैं ठीक है ना, जैसे एक ऊपर एक नीचे बेसमेंट, ऊपर 2 बेडरूम्स हैं और एक बाथरूम है, वो मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ, और नीचे हैं 3 बेडरूम्स और 1 बाथरूम और 1 बेडरूम ये हो गया। तो टोटल हो गए जी 6 बेडरूम्स, 2 फुल बाथरूम्स और 1 पाउडर रूम। पाउडर रूम यहाँ पर है, गैराज के साथ ही एंट्री है, गैराज में जब गाड़ी लग जाए तो वहाँ से सीधा पाउडर रूम में एंट्री हो जाती है। अब हम चलते हैं जी लिविंग एरिया की तरफ, जो हमारा फॉर्मल लिविंग एरिया जिसको बोला जाता है, जहाँ पर दिन का मोस्टली टाइम स्पेंड किया जाएगा। तो ये मेन लिविंग एरिया आ गया, घर की सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। इस साइड के ऊपर आ जाते हैं जी सारा टीवी और एंटरटेनमेंट एरिया। तो सोफे शोफे यहाँ पर लग गए हुए हैं, कॉफी टेबल वगैरह लग गया हुआ है, बड़ा टाइम लगा इसको सेटअप करने में। टीवी स्क्रीन लगी हुई है 75 इंच, ये भी इंस्टॉल करवाई है किसी से, अपने हाथों से तो ये काम हो नहीं रहा था। तो यहाँ पे आराम से 5-6 बंदे बैठ सकते हैं बड़े मज़े से, 2 यहाँ बैठ सकते हैं। तो ओवरऑल 8-10 बंदों की सीटिंग तो लिविंग एरिया में बड़े आराम से हो जाएगी। अब 8-10 यहाँ पर कैनेडा में ना बैठाने बड़ी मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतने लोग होते नहीं है फ्रेंड सर्कल के अंदर। बट ये टीवी एरिया आ गया, यहाँ पर नीचे आ गया जी सारा अपना होम थिएटर सिस्टम वगैरह, ये भी सारा इंस्टॉल होने वाला है, सामान पड़ा होगा भी सारा मैं इंस्टॉल करूँगा। स्पीकर्स को हाइड करने के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी इंटीरियर डिजाइनिंग करी गई है, ये बना दिया उन्होंने ब्रैकेट से, तो इसके अंदर सारे स्पीकर फिट हो जाएंगे, सारा मामला यहाँ पे सेट हो जाएगा। इस तरफ आ जाती है जी प्रोपेन गैस फायरप्लेस। तो ऑब्वियसली अगर ऐसे का घर है, कनाडा में रहते हैं, विंटर है तो हीट के अंदर थोड़ा सा प्रोपेन वाला मज़ा तो लेना चाहिए ना, तो ये प्रोपेन हीट वेंट है पूरा प्रॉपर। तो अभी सिलेंडर वगैरह इंस्टॉल होगा, बट जैसे ही हो जाएगा ऑन करो इसमें सीधा, वो जैसे फिल्मों में देखते थे ना वैसे आग जलेगी और ऊपर से प्रॉपर हीट आएगी। तो ये बहुत ही बढ़िया एडिशन है, ये नॉर्मली बहुत ही फैंसी एडिशन कह सकते हैं मिल गया। तो घर जब बन रहा था तो जिन्होंने बनाया उन्होंने इसमें लगाया हुआ है, अगर मैं लगवाने जाता तो शायद मेरे हाथ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे की चीज़ें छोटी 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 यहाँ पर कनाडा के अंदर बहुत कॉस्ट करती है। बाकी कारपेट शारपेट यहाँ पर लग गया। तो ये हो गया जी हमारा प्रॉपर लिविंग एरिया, जहाँ पर सारा कुछ देखा जाएगा, खाया जाएगा, पिया जाएगा, मेमोरीज बनाई जाएंगी। ये फोटोज यहाँ पर वॉल जो है यहाँ पर भी अभी फोटोज ऐड होंगी, अभी तो ट्रैवल की फोटोज हैं तो धीरे धीरे फोटोज ऐड हो जाएंगी। सेंटर में आ जाते हैं जी, ये आ गया डाइनिंग टेबल। अब डाइनिंग टेबल जी ये भी बड़ा चूज किया गया, सिलेक्ट किया गया सोच सोच के बहुत सारी जगहों के ऊपर जा के। ये टेबल जो है वैसे तो ये सेरामिक टॉप है, लेकिन ये एक्सटेंड हो जाता है, तो इसके नीचे ना इसे बटन से लगे हुए, मैं करके नहीं दिखा सकता। जैसे ये खुल जाता है पूरा, तो इसके अंदर ऐसे के मार्बल के और पीसेस लग जाते हैं। सो 8-10 बंदे इस टेबल के ऊपर बड़े आराम से बैठ सकते हैं। तो ये आ गया जी डाइनिंग एरिया। अब चलते हैं आगे, अब मैं पानी लेता हूँ सबसे पहले। किचन, द हार्ट ऑफ इंडियंस। किचन के अंदर आ जाते हैं जी, ऊपर ये मार्बल टॉप्स, यहाँ पर आ गया स्टोव, फ्रिज, बहुत सारी अलमारियाँ। इतनी अलमारियों में इतना सामान भरने के लिए भी लेना पड़ेगा, वो अभी है नहीं। बट ओवरऑल ये सारी किचन, वॉशिंग एरिया यहाँ पर आ गया, डस्टबिन, आपको डस्टबिन दिखाएं यहाँ पे, तो डस्टबिन एरिया सारा यहाँ पर है। मोटर शोटर लगी हुई यहाँ पे कि जब कूड़ा वूड़ा उठाया हो तो खींचने का अगर बनना हो तो बस टच करना है यहाँ पे इधर पैनल पे, ये अपने बाहर आ जाता है। तो इसमें कचरा आ गया, यू कैन फील लाइक कचरा सेट, तो इसमें रिसाइकलिंग और सारा है। बाकी स्टोरेज पूरी है, फ्रिज देख लेते हैं, अभी सजाया नहीं है फ्रिज वीडियो के लिए, बट हाँ डबल डोर फ्रिज काफ़ी कैपेसिटी है, पानी शानी यहीं से निकल जाता है। ये भी मुझे बड़े से बड़ा शौक था कि देखता था ना जब ऐसे अच्छे अच्छे फैंसी फैंसी फ्रिज, तो होगा था कि भी एक दिन हम भी लगा लेंगे। नीचे सारा रेफ्रिजरेटर वगैरह आ गया, आइसक्रीम शाइसक्रीम सारी बर रखी हुई है, ड्रम स्टिक्स और कॉर्नेटो तो यहाँ पर मिलती है, नेस्ले की रखी है। इधर एक और बड़ी एक्साइटिंग चीज़ है, ये मेरी मम्मी आएंगी ना उनको बहुत पसंद आएगा, यहाँ पर सारा ना राशन आप स्टोर कर सकते हो, जो बड़ी बड़ी पैकिंग होती हैं जो आप ड्रॉर्स वगैरह में नहीं रख सकते। तो पैंट्री रूम जी,
तो ये आ गया जी हमारा पेंट्री रूम। तो अभी तो सामान अच्छे से नहीं टिकाया गया, बट ओवरऑल आप देख सकते हैं जो जो सामान मुझे मिला, इंडियन स्टोर गए वहाँ से कुरकुरे शुरकुरे सारे, बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। तो ये सारा अभी सामान यहाँ पे रख लिया ताकि बड़ी बड़ी आइटमें हो, यहाँ से सीधा लो किचन के अंदर जाओ कुक कर लो, बंद कर दो इसको। काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी यहाँ पर स्टोरेज है, इधर आ जाओ। ये आ गया जी गैस पैनल। गैस पैनल जी मैंने लिया जी ये इंडक्शन वाला लिया है, ताकि जब गंद तो मचाना ही है, जब भी कोई कुकिंग होगी या चाय उबल जाए कुछ उबल जाए तो खराब हो जाता है। इंडक्शन पैनल के अंदर कुछ भी चिपकता नहीं है, जस्ट वाइप इट विद वेट क्लॉथ साफ हो जाता है। ये सारे अप्लाइंसेज में कनेक्टेड है फोन के साथ, कोई चीज़ अगर ऑन रहती है जो कि मैं केयरलेस हूँ तो आदत रहती है, तो राइट अभी नोटिफिकेशन आ जाती है कि ऑन है। बाकी इस तरफ भी सारा अरेंजमेंट किया हुआ है, लाओ जरा। तो सारे जितने भी चमचे शमचे बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए हुए हैं, छटे छटे का अरेंजमेंट यहाँ पर है। बाकी यहाँ पर मसाले शाले रख लिए सारे। तो अभी जितनी की डेकोरेशन हो सकती है करने की कोशिश करी है, वीडियो के लिए नहीं वैसे जीने के लिए। ये डिश वाशर आ गया इस साइड के ऊपर, डिश वाशर लगाया जी मैंने बॉश का। तो उसका रीज़न है कि ये भी है कि ये डिश वाशर इज़ वन ऑफ द साइलेंट डिश वाशर्स, तो ये चलता रहेगा तो कभी भी पता नहीं चलेगा। सामान सीधा इसके अंदर डालो, डोर आगे सीधा बाहर काम। यहाँ पर सारी सप्लाईज आ गई सफाई वगैरह की, अभी तो फुली लोडेड है। तो नया नया जैसे शौक होता है ना, तो सारा सामान ऐसे है जो मैं घर वालों को दिखा रहा था, तो वो कहते थे कि ये नया नया तो ऐसे रख दिया, कुछ दिनों बाद पता चलेगा कि तूने क्या हाल किया घर का। तो ओवरऑल जी ये सारा घर का आ गया जी लिविंग एरिया। तो लिविंग एरिया तो हो गया जी कवर, अब लिविंग एरिया के साथ एक और पैरेलल लिविंग एरिया है विच इज ऑल्सो कॉल्ड सन रूम और सोलर रूम, जिसके अंदर एसी वगैरह तो नहीं है क्योंकि घर यहाँ पर सारा सेंट्रल एयर कंडीशन है। कंट्रोलर वहाँ पर मैं दिखाना भूल गया, बट हाँ एसी हीटिंग सारा वहाँ पर पैनल से कंट्रोल होता है। लेकिन एक सोलर रूम है नेचुरल रूम, ताकि गर्मियों के अंदर अगर आपको थोड़ी सी हीट लेनी है या सर्दियों के अंदर अगर आपको यू नो धूप का मजा लेना है तो एक सन रूम होता है, आपको वो दिखाता हूँ। वो जितना लिविंग एरिया का साइज है उतना ही आ जाता है यहाँ पर। तो ये आप इसको सन रूम कह सकते हैं, स्टडी कह सकते हैं, यहाँ पर आप एक्टिविटी भी कर सकते हैं कोई ना कोई। तो यहाँ पर कोई एसी वगैरह नहीं है, फैन लगा हुआ है, लेकिन जिम वगैरह मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर अभी तैयार होगा। जैसे मैंने बैग वैग लगा लिया तो यहाँ पर इतने एरिया में जिम बन जाएगा। ये सारा बुक्स का एरिया आ गया, बुक्स वुक्स में भी टिकाऊंगा, अभी बहुत गंदी लग रही है। तो ऑर्गेनाइज करके यहाँ पर एक लाउंज सा बन जाएगा, ताकि जब विंटर के अंदर बाहर बर्फ पड़ रही हो तो बड़ा मजा आएगा। वो प्रोपेन हीटर अगेन कनेक्टेड, इसमें से हीट चलेगी ठंड के अंदर, थोड़ा चिल चलेगा, साथ में किचन में से आएंगे पकौड़े, मज़े बड़ा आ जाएगा। सोलर रूम जो आती है ये रात को लेटअप हो जाता है, बहुत सुंदर लगता है। इसके शॉर्ट्स मैं ऐड कर दूंगा वीडियो के अंदर, तो ज़रूर देख लेना। बाकी और आगे वाली वीडियोज भी कवर करेंगे। तो ये आ गया जी सोलर एरिया। अब घर के पीछे जो कि है मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट, अगेन मेरा फेवरेट पार्ट, जो कि है पूल एरिया और साइड। तो चलिए जब चलते हैं घर के बैकयार्ड की तरफ, और जो मेरा फेवरेट पार्ट है घर का वो आप इधर से आगे आगे देख लो क्या है, ब्यूटीफुल स्विमिंग पूल। आ जाओ जी, यहाँ पर चिल किया जा सकता है जी मोस्टली एक्सेप्ट विंटर्स। तो इस साइड के ऊपर एक स्टोरेज है, गराज है, गराज डोर की जो स्ट्रीट है वो पूल में जाने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से सारा एरिया, यहाँ से गाड़ियाँ सारी यहाँ पर पार्क हो सकती हैं, बट ओवरऑल पूल को जाने के लिए यहाँ से भी रास्ता है। यहाँ पर वैसे एक डोर अभी इंस्टॉल करवाया जाएगा क्योंकि डोर है नहीं, तो मुझे लगता है कि वो ज़रूरी है। तो ये आ गए जी हम पूल एरिया के अंदर, मेरा फेवरेट पार्टी एरिया, जैसे वो पंजाबी गानों में देखते होते थे ना, बॉलीवुड सॉन्ग में भी देखते होते हैं। तो पूल इज कॉन्स्टेंटली रनिंग, इसके मोटर शोटर चलते रहते हैं। ये फाइबर ग्लास पूल है तो इसकी मेंटेनेंस का इतना ज़्यादा नहीं है, बट हाँ केमिस्ट्री वगैरह चेक करते रहना चाहिए। तो उसके सारे टूल्स अवेलेबल हैं, नीचे मोटर शोटर लगी हुई हैं, सीढ़ियाँ वगैरह यहाँ से है। 6 feet करीब इसकी डेप्थ है और लंबाई इसकी आई थिंक अराउंड 20 feet होगी। तो अभी मैंने एग्जैक्टली मेयर नहीं करा, इसको मेंटेन करने के लिए रूम के अंदर सारा सामान है और पीछे यहाँ पर कुछ पड़ा हुआ है वैक्यूम वगैरह। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे पूल को मेंटेन किया जाता है। वो एसी का यूनिट है और एक एंट्री वहाँ से भी है, ये मैंने अभी एक्सप्लोर नहीं करी एंट्री के दरवाज़ा खुलता भी है कि नहीं। बट ओवरऑल पूरे एरिया सारा नीचे स्टोन्ड है, यहाँ पर कंक्रीट पैटियो है पूरा। तो ये हट जो बनी हुई है ये एक बहुत ही एडवांस्ड फीचर है मेरे हिसाब से घर का, क्योंकि मैंने ये बहुत ही कम घरों में इस साइज़ की हट देखी है। तो प्रॉपर ये टीक वुड है, सीधर आई थिंक सीधर और टीक,
तो यहाँ पर सारा भी तैयार होगा। अभी तो ये जो पड़ा हुआ पुराना ये सारा एरिया भी तैयार होने वाला है, इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे जब पूरा रेडी कर देंगे। लाउंज शाउंज यहाँ पर प्रॉपर एक उन्होंने बना रखा हुआ है, यू नो, ब्रेकफास्ट करने के लिए, बारबेक्यू करने के लिए, हीटिंग करने के लिए सारा सिस्टम यहाँ पर है, खाना वाना। और इस साइड के ऊपर अगर आप आ जाओगे तो यहाँ पर पूल हीटर भी है। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ गर्मियों के अंदर ही पूल हीटर यूज़ किया जाए, जब तक स्नो नहीं पड़ती, फॉल के अंदर ठंड हो जाए, आप वहाँ से हीट शुरू कर दो तो जितना भी पानी है वो सारा एकदम से गर्म हो जाएगा, तो पूरा चिल काम हो जाएगा। स्टोरेज एक ये, एक स्टोरेज वो, और ये एक सबसे एडवांस्ड फीचर, बहुत ही प्यारा। पार्टी कर रहे हो फ्रेंड्स के साथ, गेट टुगेदर चल रही है, तो ड्रिंक्स। तो यहाँ पे चिल किया जा सकता है, बारबेक्यू करो, ड्रिंक्स रखे हैं, हर चीज़ चिल होनी चाहिए। तो ये दरवाजे आ गए, यहाँ पर ये पासवर्ड वगैरह लगे तो मैंने खोला हुआ, तो इसके अंदर तो सारा पूल का मशीन रूम वगैरह है, तो ये कॉन्स्टेंटली चलता रहता है पूल के केमिकल्स वगैरह, तो सीखने में मुझे वक्त लगेगा। फन फैक्ट्री है कि मैं केमिस्ट्री में सारी ज़िंदगी फेल हुआ हूँ, लेकिन अब जब मैंने पूल वाला घर लिया तो उन्होंने बताया कि इसकी केमिस्ट्री, सर्कुलेशन, ये दो चीज़ें हमेशा ध्यान रखना कि चलती रहें, तो वो पीएच वीएच सब चेक करना पड़ेगा, तो चीज़ें पीछा छोड़ती नहीं है, ये मैंने देखा है। यहाँ पर सारी वॉल हो रखी हुई है और ये गार्डन सारा बन रखा हुआ है यहाँ पर फ्लावर्स का, इनको पानी देने के लिए भी, मेंटेनेंस के लिए नीचे सारा पाइप सिस्टम बिछा हुआ है, बस वहाँ से बटन ऑन कर रहे हैं तो पानी ऑटोमेटिकली इनको दे दिया जाएगा। ग्रास शास काटने का कोई चक्कर नहीं है, तो वो चीज़ है। रात को पूल के अंदर लाइटें शाइटें भी चलती हैं, तो रात का सीन अभी रात हुई नहीं है, बट मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ ऐसा दिखता है। तो रात को जी पूल एकदम, तो आप लाइटें वाइटें अंदर से चेंज कर सकते हैं। ये जो ऊपर लाइटें लगाई हैं इनको भी मैंने ऊपर स्मार्ट अडेप्टर दे दिया, तो अंदर जो किचन के अंदर एलेक्सा लगी हुई है उसके साथ सारा ये लिट अप हो जाता है। इधर से जो गैराज रूम है उसके भी दो दरवाजे हैं, एक ऑटोमेटिक है और एक साइड वाला है, उसके अंदर सारा स्टोरेज का सामान रखा हुआ है। आज दिखा देंगे पूल को वैक्यूम कैसे करना है, क्लीन कैसे करना है, इसके ऊपर एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वो भी एक तरीके से साइंस वाला काम ही है, मज़ा आता है। तो ये एरिया मेरा फेवरेट है, बाकी फॉल में सही रहेगा, मोस्टली सारा साल रहेगा एक्सेप्ट विंटर, तो फिर से बंद कर देंगे। एक चीज़ ये भी कि जब मैंने मस्टैंग लेनी थी, लोग बोलते थे कि भाई कन्वर्टिबल ले रहे हो, कनाडा के अंदर कौन है कन्वर्टिबल लेता है, वहाँ तो हमेशा बर्फ़ पड़ती रहती है। लेकिन बर्फ़ भाई सारा साल नहीं पड़ती है, ठीक है, 8 महीने ज़िंदगी कैसे होता है जब बर्फ़ नहीं होती है, 6 महीने, ठीक है, वहाँ आप चिल कर सकते हो। तो जब घर भी लिया तो बोल रहे हैं पूल वाला घर ले रहे हो, वहाँ तो बर्फ़ पड़ती रहती है, भाई लोगों का तो काम ही है कहना, आपने जो करना ना करते रहिए, जो आपकी चेकलिस्ट के ऊपर सामान है ना वो पूरा करते रहना, सोचना मत ज़्यादा लोगों की, कोई चिंता वाली बात नहीं है, थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं, सब मैनेज हो जाता है। तो एक और आ गया जी, उसका भी लॉक खोल लेते हैं, शोरूम आ गया बेसिकली, अभी इसको मैनेज किया जाएगा। तो इसके अंदर भी गैराज डोर ओपनर लगा हुआ है, तो ये जो दरवाज़ा है ये ऑटोमेटिक है, खुल जाता है, खुल सकता है, बस यहाँ से बटन दबाना है तो ये खुल गया। जैसे तो इसमें ये है कि जब सामान लेके आ रहे हैं, अभी तो बहुत गंद पड़ा हुआ है, तो सामान लाएँ गाड़ी में सीधा स्टोर करना है, यहाँ पर सीधा किया, और गाड़ियों के अंदर सारा कनेक्टेड है, फ़ोन के साथ सारा हो जाएगा, तो शटर बंद करना है। इधर से बाहर आ गए, ये लॉक कर दिया, तो ये हो गया जी नमस्ते, अब चलते हैं उधर। और ये एंट्री बेसिकली, यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी करनी है, वॉश करनी है, तो उसके लिए यहाँ पर कनेक्शन आउटलेट है, पाइप लगाओ, वॉश करो, सीधा गाड़ी ख़त्म। कैमरे शैमरे ऊपर हर पॉइंट के ऊपर लगे हुए हैं, तो कॉन्स्टेंटली रिकॉर्डिंग चल रही है, जैसे ये सेंसर कैमरा इधर लगा हुआ है ऊपर। यहाँ पर कार चार्जिंग स्टेशन भी है, तो कल को जैसे इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ आएंगी तो वो भी मैनेज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर सीधा गाड़ी प्लग करो तो ग्रिड लगा हुआ है। एक और चीज़, घर के अंदर जनरेटर सिस्टम भी है, तो वैसे तो यहाँ पर लाइट जाती नहीं, बट कभी स्नो स्टॉर्म में कुछ गिर जाए या लाइट चली जाए तो पूरे घर के लिए नीचे जनरेटर इलेक्ट्रिक ग्रिड है, और पीछे जनरेटर रूम जो पूल वाला रूम है उसमें जनरेटर का सारा सेटअप लगा हुआ है, बस प्लग करना और बटन दबाना है, तो बल्ले बल्ले काम चालू है। पूल कह दिया गैराज के अंदर, तो गैराज के अंदर यहाँ पर अगेन अलार्म सिस्टम, अलार्म सिस्टम वगैरह भी जरूरी है, यहाँ पर कपड़े शपड़े उतारो, जूते जूते अपने जैकेट जूकेट उतारो, गाड़ी को यहाँ पर पार्क करो। तो गैराज भी काफ़ी स्पेशियस है, गाड़ी को वॉश करने के लिए यहाँ पर एक आउटलेट है जहाँ पर आप पाइप लगा सकते हैं, उसके बाद वैक्यूम करने के लिए यहाँ पर नोजल है सेंट्रल वैक्यूम की, सीधा इसमें लगाओ, गाड़ी सीधा करो करके डालते बाहर, और ये एंट्री है। तो ये मेरा बेस्ट पार्ट है, यहाँ पर उतारे सर्कल ऑफ लाइफ। आ जाओ भाई,
लिविंग एरिया के साथ एक और चीज थी जो कि था पाउडर रूम, तो पाउडर रूम बहुत ही सुंदर बनाया हुआ। टाइलें मुझे सबसे ज्यादा फेवरेट लगी इस रूम की, ब्लैक कलर की टाइलें, इश्क मजा आ गया अंदर आ गए। यहाँ पर अपना कार्यक्रम किया जा सकता है, पाउडर रूम के साथ एक हिडन रूम। हिडन रूम के अंदर आ जाती है मशीनें, वॉशर, ड्रायर। तो कपड़े कपड़े धो के जब कई बार कपड़े प्रेस भी करने हो, तैयार भी करने हो, तो यहाँ पर ये शेल्फ बनी हुई है, देखो शेल्फ। कपड़े सुखाने हैं तो नीचे ये भी लगा हुआ है ताकि यहाँ पर सुखा लो, क्या बात है। ये फीचर मेरे मम्मी को बहुत पसंद आया, कहते वाह बेटा मज़ा आ गया। और कपड़े प्रेस करने के लिए यहाँ पर प्रेस का भी सिस्टम है, सीधा कपड़े यहाँ से निकलेंगे, सीधा यहाँ से प्रेस हो जाएंगे। बाय द वे जो ड्रायर मैंने लिया ना, इसके अंदर भी एक ऑप्शन है स्टीम प्रेस की, तो वो कपड़े स्टीम प्रेस भी कर देता है। तो शायद इसीलिए जब इसे खरीदते टाइम पैसे दिए ना, तो मेरी जेबें और वॉलेट भी स्टीम प्रेस हो गया ऑटोमेटिकली, तो ये फीचर भी इसमें एडिट है। अब ना बस हो जा रही है, तो घर को ना मुझे लगता है कि हाउस टूर में स्प्लिट कर देंगे। तो नीचे हैं जी तीन बेडरूम्स और एक बाथरूम, वो भी तैयार हो रहे हैं, तो इसलिए उस पर टाइम लगेगा, उसको अगले पार्ट में कवर करेंगे, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ऊपर चलते हैं, अभी खाली है तो ऑर्डर वगैरह दिया हुआ, बेड सेट सारे सब पे तैयार हो जाएंगे, तो जो स्टूडेंट्स के लिए मैंने अकोमोडेशन की बात करी थी वो सारी नीचे तैयार होगी। ऊपर चलते हैं मेन बाथरूम और दो जो हमारे मास्टर बेडरूम और गेस्ट बेडरूम है उसकी तरफ। एंट्री करते पहले यहाँ पे क्लोजेट, क्लोजेट के अंदर सारा सामान आ जाएगा। ये बाथरूम है, तो ये है जी मेन बाथरूम। तो बाथरूम के अंदर आते बाथ टब, यहाँ पर सिंक और यहाँ पर शावर एरिया भी है, तो यहाँ से ऑन किया जा सकता है। आजू जी यहाँ पर नहा लो, कोई नहा के नहीं दिखाऊंगा वीडियो में, बट हाँ ये मेन बाथरूम आ गया। तो इतने बटन है ना, मैं तो भागते रहता हूँ, बटन ही बंद करता रह जाता हूँ। तो ये बाथरूम के साथ ऊपर आ जाते हैं मेन दो रूम्स। लेफ्ट साइड के ऊपर है जी मास्टर बेडरूम, राइट साइड के ऊपर गेस्ट बेडरूम। ये भी तैयार होने वाले हैं, इनमें कुछ नहीं है खाली है, बट मैं आपको क्विकली खाली टूर करा देता हूँ। एम्प्टी टूर चेक, ए सी भी आ गया होगा, ये लगेगा अभी यहाँ पर। तो ये है जी मास्टर बेडरूम, ये भी तैयार होगा पूरा, बेड बुड यहाँ पर लग जाएगा सारा। पीछे की तरफ पूल का व्यू, इस तरफ काफी अच्छे वार्डरोब्स, स्टोर वगैरह कर लो सामान सामून सारा, वो भी तो करेरा पड़ा हुआ है, बट हाँ स्टोरेज काफ़ी है। उस तरफ एक और रूम है, तो ये अभी तैयार होगा, इसको टाइम लगेगा अभी, क्योंकि नीचे की तरफ अभी सारा फोकस है। जब इतना साइज का घर लिया जाए तो टाइम लग जाता है चीज़ें प्रिपेयर करने में, तो एरिया बाई एरिया चल रहे हैं। अभी लिविंग एरिया फुल रेडी हुआ है, ये वाला भी पेंडिंग है। इस तरह का एक और रूम है, बॉक्सेस भी बॉक्सेस हैं, तो इसको नहीं खोला जाएगा और नहीं दिखाया जाएगा आपको, बट हाँ रूम्स के लिए हम एक और सेपरेट वीडियो बनाएंगे। आ जाओ भाई, लाइटें बंद कर लूँ, रुक जाओ, क्योंकि अगर लाइटें भूल जाऊँ ना, तो जितने बड़े घर के शौक थे ना, उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक चैलेंज ये आ जाता है कि लाइटें सेटें बंद करनी मुश्किल हो जाती है। नॉर्मली ये सारे लाइटों का कंट्रोल नीचे है, बट मैंने पता क्या करना है, इनको ना स्मार्ट कर देना, सारा फोन के ऊपर कर देंगे। जैसे अभी घर का एसी से कुछ प्लस तो स्मार्ट है ही है, पर जैसे सारे घर का एसी और हीटिंग सारा यहीं पे हो जाता है, तो ये बड़ा अच्छा फीचर है। और एक और चीज़ तो आपको बतानी भूल गया, घर के अंदर वैक्यूम क्लीनर भी जो है वो सेंट्रल है, तो ये तो हमारे टेक्सचर का ही पैड है, उठा देते हैं। बट बेसिकली जब आप वैक्यूम करना चाहते हो घर को, तो यहाँ से निकलेगी वो सीधा बाहर मेरे ख्याल से, तो इसको अंदर करने के लिए अंदर चले गया, तो बेसिकली ये बाहर आ जाता है। तो मैनुअल वैनुअल पड़ता हूँ, ख़राब आप ना कर दूँ, सारा बाहर आ जाता है। वैक्यूम वैक्यूम करके सीधा इसमें डाल दो, और नीचे जो रूम है उसमें सारा मटेरियल। हाँ जी दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो अबाउट माई हाउस टूर। फाइनली आई थिंक आई एम फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी कि मैं ये वीडियो बना पाया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @connectparul, क्योंकि वहाँ पर मैं रील्स वगैरह अपलोड करता रहता हूँ, और बहुत सारे घर से रिलेटेड
हाउस बाइंग प्रोसेस से रिलेटेड मैं वीडियोस शेयर करने वाला हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर भी और यूट्यूब के ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियोस आएंगे। बाकी कमेंट्स में ज़रूर बताना कि घर का कौन सा पार्ट आपको सबसे बढ़िया लगा। जैसे मेरा फेवरेट तो जो पार्ट है जी वो आ जाता है ये लिविंग एरिया पूरा का पूरा, ये वाला पार्ट सारा किचन और पूल एरिया, और जो सोलर रूम है उसके तो रात में जो नज़ारे हैं ना वो क्या ही बात है, वो आपको मैं बाद में दिखाऊंगा। तो बेसिकली क्या लो ये ग्राउंड फ्लोर मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है, बाकी तो रूम्स और बाथरूम तो चलो होते ही हैं जी अच्छे अच्छे। आपका कौन सा एरिया फेवरेट है ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताना, इंस्टाग्राम पे अगेन ज़रूर फॉलो कर लेना, और अगर आप मेरे साथ वीडियो कॉल बुक करना चाहते हैं वन ऑन वन आप वो भी कर सकते हैं, नीचे मैंने लिंक दिया हुआ वहाँ पर क्लिक करके। अगर आप मेरे साथ इस घर में रहना चाहते हैं तो नीचे के रूम्स रेडी हैं, इफ़ यू आर कमिंग टू मॉन्ट्रियल द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, गो हैड सेंड माई टीम अ मैसेज, अपनी डिटेल्स शेयर करो ताकि आप भी यहाँ पर आके अपने इनिशियल डेज में रह पाओ, एंड यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू लाइफ इन कनाडा। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीक विद अनदर व्लॉग, टिल देन कीप वॉचिंग पारुल टीवी।